निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे फतेहपुर के सदर विधायक विक्रम सिंह को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे के निर्देश पर महामंत्री अशोक कटारिया ने विधायक से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। विधायक पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, बीजेपी बागियों से खफा है और खास तौर पर विद्रोही सुर अपना रहे लोगों को विधायक के बहाने अनुशासन की मर्यादा में रहने का संदेश दिया है। निकाय चुनाव में प्रदेश में कई जगह विद्रोह की स्थिति सामने आई है। फतेहपुर में विधायक विक्रम सिंह पर क्षेत्रीय मंत्री और फतेहपुर के निकाय चुनाव प्रभारी अविनाश सिंह के साथ संगठन की मर्यादा का उल्लंघन करने और अपनी निजी समर्थकों के लिए टिकट बदलवाने और हस्ताक्षर मुक्त सिंबल फॉर्म छीनने और बीजेपी नेतृत्व को लेकर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक की माने तो अनुशासनहीनता जैसी कोई बात मीटिंग में नहीं हुई। उनका कहना है कि पार्षदों को टिकट बांटने को लेकर काफी लेट लतीफी की जा रही थी, जिस पर उन्होंने सवाल जरूर उठाए। वहीं सदर विधायक विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि नोटिस जैसे भी मिलेगा उसका जवाब दूंगा, पार्टी जितनी उनकी है उतनी ही मेरी भी, पार्टी सभी की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभद्रता या इस तरह की कोई बात हुई है, और नोटिस मुझे दिया गया है ऐसा आप ही लोगों के माध्यम से अभी मुझे ज्ञात हुआ है। एक बार नोटिस आ जाए उसमें क्या किन बातों को लेकर जवाब पार्टी नेतृत्व ने मांगा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांगा है, उसको देखकर तभी मैं उस पर पूरा जवाब आप लोगों को दे पाऊंगा। बीजेपी ने पार्टी अनुशासन की मर्यादा को लांघने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में इस वक्त अनुशासन का मसला गंभीर हो गया। इस चुनाव में कहीं बगावत के सुर तेज ना हो, इसलिए बीजेपी ने बेसुरा बोलने वालों की पड़ताल शुरू कर दी है। टीवी 100 के लिए फतेहपुर से मुमताज इसरार की रिपोर्ट।